हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो मुल्कराज आनंद है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। देखिए, इससे पहले हमने राजा राव किए थे। राजा राव का जो फेमस वर्क और फर्स्ट उनका जो नॉवल था वो था कांथापुरा। तो कांथापुरा में भी जो बैकग्राउंड थीम है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की ही है। वो जो नॉवल में पूरी स्टोरी चल रही है उसमें बैकग्राउंड में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भी साथ साथ चल रहा है। और ये सेकेंड टाइम मुल्कराज आनंद है, इन्होंने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब इनका फर्स्ट नॉवल देखते हैं। फर्स्ट नॉवल विच कैरीड अ प्रीफेस बाय E.M. फॉस्टर। अब देखिए, इस नॉवल यानी कि एक ऐसा नॉवल, फर्स्ट नॉवल जिसका प्रीफेस E.M. फॉस्टर ने लिखा था। तो वो कौन सा है फर्स्ट नॉवल? वो है अनटचेबल। और अनटचेबल किसका नॉवल है? मुल्कराज आनंद का है। इसका प्रीफेस किसने लिखा था? E.M. फॉस्टर ने लिखा था। अब देखिए, अनटचेबल रिटन इन साबरमती आश्रम। ये कई बार क्वेश्चन आया कि जो अनटचेबल इनका वर्क है, नॉवल है इनका, वो कहाँ लिखा गया था? तो ये साबरमती आश्रम में लिखा गया था। एंड वन डे स्टोरी। और ये जो अनटचेबल है ये एक दिन की, पूरे एक दिन की स्टोरी है। ये नहीं कि आज ये हुआ, फिर सेकेंड डे कुछ और होता है, फिर थर्ड डे कुछ, ऐसे नॉवल के सीन नहीं है। इसमें क्या है, पूरे एक दिन की स्टोरी, यानी कि पूरे एक दिन में क्या होता है ये पूरी स्टोरी में बताया गया है अनटचेबल में। ये 1935 में आया था। और इसका हीरो कौन है? बखा। ओके, इसका हीरो है बखा। साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग फेज 1968। जो मॉर्निंग फेज इनका नॉवल है वो 1968 में आया था। और 1971 में इन्हें इसके लिए क्या मिला था? साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। इससे पहले जब हमने राजा राव को पढ़ा था तो राजा राव को कब मिला था? राजा राव को जो साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो राजा राव है उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड किस वर्क के लिए मिला था और किस ईयर में मिला था, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, साहित्य एकेडमी अवार्ड, नोबेल प्राइज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बॉर्न 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर। पेशावर में 1905 में इनका जन्म हुआ था। अ लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। और इन्होंने एक वर्क लिखा था, अ लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये क्या है? नॉवल बाय M. राज आनंद, यानी कि मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा हुआ एक नॉवल है। रिवील्स द फ्रूटलेसनेस एंड यूजलेसनेस ऑफ ब्रिटिश पार्टनर ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो ब्रिटिश जो पार्टनर है उनकी जो एजुकेशन थी, यानी कि पार्टनरशिप जो यहाँ एजुकेशन चल रही है उसका जो मतलब कैसे फ्रूटलेसनेस उसकी यहाँ पे दिखाई गई कि बिल्कुल यूज है इंडियन सोसाइटी के लिए, तो यही इस बारे में बात हुई है। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। ये स्टोरी है एक क्रूअल हस्बैंड एंड वीक वाइफ की। इसमें स्टोरी है हस्बैंड वाइफ की जो कैसे क्रूअल है, हस्बैंड क्रूअल है और जो वाइफ है वो कैसी है? वीक है। तो इनके ये जो हस्बैंड और वाइफ है इसमें कौन है? देखिए, कपल के नेम क्या है इसमें? पांची एंड गौरी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और उन्हीं की स्टोरी बताई गई है द ओल्ड वुमेन एंड द काउ में। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यूज एंड नोट्स फॉर बॉम्बे क्रॉनिकल। और ये जो रिव्यूज हैं और नोट्स हैं वो बॉम्बे क्रॉनिकल में किसने दिए थे? मुल्कराज आनंद ने दिए थे। और मुल्कराज आनंद क्या है? एक ह्यूमनिस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू लीव्स एंड बर्ड। ये भी वर्क कई बार पूछा गया है कि वर्क किसके द्वारा लिखा गया है, तो टू लीव्स एंड बर्ड ये वर्क लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा 1937 में। और इसमें जो कैरेक्टर है वो कौन है? गंगू, होशियारपुर विलेज में वो रहता है। तो यानी कि ये स्टोरी होशियारपुर विलेज की है और गंगू की है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि जो गंगू कैरेक्टर है वो मुल्कराज आनंद के किस नॉवल में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है टू लीव्स एंड बर्ड में बात हुई है गंगू के बारे में। वाइफ कैथलीन वैन गेल्डर, इनकी वाइफ कौन थी? कैथलीन वैन गेल्डर थी। नेक्स्ट वर्क इनका Across the ब्लैक वाटर्स 1939 में आया था। द सॉर्ड एंड द सिकल, ये भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। द सॉर्ड एंड द सिकल किसका वर्क है? 1942 में ही आया था। द बिग हार्ट 1945, इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था जिसमें 7 शॉर्ट स्टोरीज थी टोटल। बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर 1973, ये भी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका।
द प्राइवेट लाइफ ऑन एन इंडियन प्रिंस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वर्क किसका है, तो ये वर्क है मुल्कराज आनंद का, जो आया था 1953 में. द वुमेन एंड काउ, ये 1960 में आया था ये वर्क. द रोड 1961, द डेथ ऑफ अ हीरो 1963, द कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976. इसमें द कन्फेशन ऑफ अ लवर में एडोलेसेंस पोएट्री एंड लव के बारे में इसमें बात हुई है. इंटरनेशनल पीस प्राइज ऑफ द वर्ल्ड पीस काउंसिल 1952, इन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला था कब, 1952 में. नेक्स्ट पॉइंट है, पद्म भूषण मिला था इन्हें 1967 में. आर्ट्स फॉर लाइफ सेक, ये किसके थॉट थे, ये मुल्कराज आनंद के ये थॉट थे कि जो आर्ट है उसका लाइफ में क्या है, यूज है. बुलंदशहर प्लेस अपीयर्स इन नॉवल, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि बुलंदशहर जो प्लेस है कि मतलब जो बुलंदशहर जगह के बारे में किस नॉवल में बात हुई है, तो किस नॉवल में बात हुई है, द रोड. और द रोड किसका नॉवल है, मुल्कराज आनंद का नॉवल है. हीरो ऑफ मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग फेस का हीरो कौन है, कृष्णन चदर. कौन है, कृष्णन चंदर है इसका जो हीरो है. तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मॉर्निंग फेस है ये किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, किस राइटर का ये नॉवल है, और इसका जो मेन कैरेक्टर है या फिर जो इसका हीरो है वो कौन है, तो कौन है, कृष्णन चंदर. नेक्स्ट पॉइंट है सोहिनी इन, अब इसमें सोहिनी जो कैरेक्टर है वो किस नॉवल में है, तो वो किस नॉवल में है, अनटचेबल में नॉवल में. और अनटचेबल का हीरो कौन था, बखा. पंडित कालीनाथ के बारे में भी इसमें बात हुई है, हवलदार चरत सिंह. ठीक है, तो ये फेमस कैरेक्टर हैं अनटचेबल नॉवल के. आप इस स्टोरी को पढ़ना है, ये स्टोरी बहुत अच्छी है. सोहिनी, पंडित कालीनाथ, हवलदार चरत सिंह, तो ये कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है ये आपको जो स्टोरी है उसे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. देखिए बखा कौन है, अभी हमने बात की थी बखा जो अनटचेबल नॉवल है मुल्कराज आनंद का, उसका मेन कैरेक्टर है, हीरो है, और इसका जो प्रोफेशन है वो क्या है, ये एक स्वीपर है एंड प्रोटागोनिस्ट, और प्रोटागोनिस्ट भी है इस नॉवल का. हु ट्राइज टू मोलेस्ट बखाज यंगर सिस्टर सोहिनी, अब ऐसा कौन है जो बखा की यंगर सिस्टर सोहिनी को मोलेस्ट करने का कोशिश करता है, वो कौन है, पंडित कालीनाथ ऐसा करता है. भीखू इन, अब ये भीखू एक कैरेक्टर है, ये किस नॉवल में है, तो अगेन ये किस नॉवल में है, द रोड में. भीखू, बुलंदशहर, इन सभी के बारे में द रोड नॉवल में बात हुई है. ढोले सिंह, अ सोशल रिफॉर्मर एंड स्टॉन्च डिसिप्लिन ऑफ M.K. गांधी, अब इसमें कौन है, जो गोवर्धन विलेज है ये उसके बारे में पूरी स्टोरी है. और जो ढोले सिंह है वो क्या है, एक सोशल रिफॉर्मर है वो, और स्टॉन्च डिसिप्लिन ऑफ M.K. गांधी, M.K. गांधी जी का वो क्या है, एक कट्टर जिसे हम कह सकते हैं शिष्य है. चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया, अब ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या फिर चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, हु इज नोन एज चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया, इस टाइप से क्वेश्चन आता है. तो कौन है वो, मुल्कराज आनंद है. मुल्कराज आनंद को चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है. तो इसमें इंपॉर्टेंट जैसे पॉइंट आते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए हमने बताया चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया, तो आपको चार्ल्स डिकेंस के बारे में भी पढ़ना है. जैसे क्वेश्चन आएंगे तो इससे आपके जो राइटर हैं वो धीरे धीरे प्रिपेयर होते रहेंगे कि चार्ल्स डिकेंस के जो मुल्कराज आनंद है उन्हें चार्ल्स डिकेंस क्यों कहा गया. तो जब आप चार्ल्स डिकेंस के बारे में पढ़ेंगे तो तभी इससे आपको नॉलेज मिल पाएगी कि उन्हें क्यों मुल्कराज आनंद, मतलब मुल्कराज आनंद को क्यों इनके जैसा कहा गया है. मुन्नू बाबू नाथुराम, ये कहे में है, ये जो मुन्नू और ये बाबू नाथुराम है ये किस वर्क में है, इनके कुली वर्क में है. तो कुली वर्क भी इनका बहुत फेमस वर्क है, तो आप इनकी स्टोरी भी पढ़िए जिससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपके. और जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा फेमस स्टोरीज है इनकी, और जो रिफॉर्मर है सोशल रिफॉर्म का ये काम करती हैं पूरे जो हमारी सोसाइटी है उसमें. तो ये थी मुल्कराज आनंद के बारे में कुछ पॉइंट्स, और इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.